हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए 20 फिट बाय 40 फिट का नक्शा लेके आया हूँ। तो ये 20 फिट इसका फ्रंट है और 40 फिट इसकी लंबाई है। तो ये जो हमारा पूरा है, ये हमारा 800 स्क्वायर फिट में है। तो यह है हमारा 20 फिट बाय 40 फिट का प्लान, यानी कि 20 फिट इसका फ्रंट है और 40 फिट इसकी लंबाई है। 40 फिट इसकी लंबाई है। इसके तीनों साइड इधर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये इधर भी खुला हुआ है, बैक साइड भी खुला हुआ है इसका, और इस साइड भी हमारा खुला हुआ है ओपन एरिया। ठीक, इसके अंदर हमने दो बेडरूम दिए हैं, आपका गेस्ट रूम है, आपका लिविंग एरिया है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है और आपकी कार पार्किंग है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये हमारा है 800 स्क्वायर फीट में। तो ये हमारा 800 स्क्वायर फीट में है, तो ये हमारी कार पार्किंग हो जाएगी। ये हमारा कार पार्किंग एरिया है। इसकी डायमेंशन है हमारी 12 फिट, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई जो है वो 12 फिट है, और इसकी चौड़ाई जो है वो हमारी 9 फिट है, यानी कि एंट्री जो है वो हमारी 9 फिट की है, 9 फिट एंट्री है। यहाँ से हमने डोर दिए हैं यहाँ पे आने के लिए, तो ये हमारी डोर हो जाएगी। तो डोर जो है हमारी 3 फिट चौड़ी, हमने यहाँ पर डोर रखी है, 3 फीट चौड़ी डोर रखी है अपने गेस्ट रूम में आने के लिए। गेस्ट रूम की जो डायमेंशन है, तो यानी कि इसकी लंबाई, तो ये हमारा हो जाएगा गेस्ट रूम। इसकी जो लंबाई है हमारी 12 फीट है इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है वो है हमारी 9 फीट, चौड़ाई जो है वो हमारी 9 फीट 2 इंच की है, 9 फीट 2 इंच की है। इस गेस्ट रूम के अंदर हमने एक विंडो यहाँ पर दी है और एक विंडो यहाँ पर दी है, यानी कि 4 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर रखी है और 4 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर रखी है। ठीक, तो जैसे ही आप कार पार्किंग से एंट्री करेंगे, तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी, ये हमारा गेट है। जैसे आप एंट्री करेंगे, तो ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम है। इसकी जो डायमेंशन हमने रखी है, लंबाई जो है वो हमारी 6 फीट 4 इंच की है, और चौड़ाई जो है वो हमारी 5 फीट 8 इंच की है। तो ये हमारा टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। ठीक, यहीं से हमने गेस्ट रूम में जाने के लिए डोर दी है, मतलब गेस्ट रूम में से हम सीधे अपने लिविंग एरिया में आ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे लिविंग एरिया की। तो ये हमारा पूरा लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया है, लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है हमारा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, यहाँ मतलब चौड़ाई जो है वो 9 फीट 6 इंच की है, और लंबाई जो हो जाएगी हमारी वो होगी हमारी 13 फीट 5 इंच की, ये हो जाएगी, ये हमारा लिविंग एरिया, लिविंग और डाइनिंग एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सोफा सेट और डाइनिंग टेबल आ जाएगी। फिर यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। तो स्टेयर्स की जो डायमेंशन हमने दी है, वो हमारी 3 फीट चौड़ी स्टेयर्स हमने दी हैं। तो यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। फिर इसी के सामने हमने किचन दिया है, किचन की जो डायमेंशन है हमारी, तो ये हमारा किचन हो जाएगा। और किचन की डोर जो हमने रखी है,
वो हमारी है 2 फीट 6 इंच की, किचन की डोर है। इसी तरह से टॉयलेट बाथरूम की भी डोर 2 फीट 6 इंच की होगी। इसकी लंबाई जो है किचन की वो 7 फीट 9 इंच की है और चौड़ाई जो है वो हमारी 6 फीट 8 इंच की है। तो ये हमारा किचन हो जाएगा। इस किचन की विंडो हमने यहाँ पर दी है तो 3 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर दी है किचन की, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसकी जो लंबाई है वो हमारी है 12 फीट इसकी लंबाई है, ठीक है। चौड़ाई जो है हमारी 9 फीट 2 इंच की है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा। इसकी विंडो हमने एक यहाँ पर रखी है और दूसरी विंडो हमारी यहाँ पर है। ये विंडो जो है ये हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो है और ये वाली विंडो जो है ये भी हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इसकी भी लंबाई जो है वो हमारी 12 फीट की है, 12 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो इसकी 9 फीट है, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक विंडो यहाँ पर है और दूसरी विंडो हमारी यहाँ पर है। दोनों विंडो जो है ये हमारी 4 फीट चौड़ी है, सेम साइज़ की विंडो हमने रखी है, ठीक। तो ये हो गया हमारे 20 फीट बाय 40 फीट का नक्शा। अब बात करते हैं इस कॉलम, जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 कॉलम है इसके अंदर हमारे पूरे। तो नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे 12 हैं इसमें। नंबर ऑफ कॉलम हमारे इसमें 12 कॉलम है। कॉलम का साइज हमने लिया है 9 इंच बाय 12 इंच के, ठीक है। 9 इंच बाय 12 इंच के हमने कॉलम साइज लिया है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट जो होगी एक मंजिल की वो होगी हमारी 8,80,000 की। ये हमारी कॉस्ट होगी एक मंजिल बनाने की, ठीक है। इसके तीनों साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि इसके आसपास कोई घर नहीं है, इसलिए ये हमारा पूरी तरह से ओपन है। तो ये था हमारा 20 फीट बाय 40 फीट का प्लान। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कितना मटेरियल इस पूरे घर के अंदर लगेगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।